हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी रेसिपी है मार्केट जैसी लच्छे वाली रबड़ी। इसे आप जरूर ट्राई करें और मैं इसे कैसे सर्व करती हूँ ये जरूर देखें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक कढ़ाई में 2 लीटर फुल क्रीम दूध। लच्छे वाली रबड़ी बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। उबाल आने तक दूध को हिलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई से लगकर जले नहीं। दूध के उबल जाने पर जब ऐसे झाग आ जाए तो दिखाए गए तरीके से कढ़ाई के किनार पर इनको चिपका दें। झाग को किनार पर लगाने के बाद जैसे ही पतली मलाई आए उसे दिखाए गए तरीके से उठाकर किनार पर लगाते रहेंगे। यहाँ पर मलाई को उठाने के लिए मैंने पनीर टिक्के वाली स्टिक का यूज किया है। आप ऐसी कोई भी स्टिक यूज कर सकते हैं जो आगे से ऐसी पॉइंटेड या नुकीली हो। लच्छे बनाने के लिए पतली पतली मलाई को ही बार बार कढ़ाई पर चिपकाते रहें। मोटी मलाई आने का इंतजार ना करें, उससे रबड़ी खराब हो जाएगी। मलाई को कढ़ाई पर चिपकाने की टेक्निक पर ध्यान दें और नीचे इकट्ठी हुई मलाई को भी दिखाए गए तरीके से ऊपर चिपका दें। लच्छे वाली रबड़ी बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें ताकि लच्छे के लिए मलाई किनार पर अच्छे से चिपका सकें और ये जल्दी बने। दिखाए गए तरीके से कढ़ाई को सामने से टेढ़ा करेंगे ताकि दूध लच्छों के ना टच हो और लच्छे सूख सकें। यहाँ पर मैंने करीब 0.5 सेंटीमीटर से पतली लच्छे की लेयर बना ली है। क्योंकि मैं लच्छे वाली रबड़ी बर्फ के साथ सर्व करूंगी इसलिए हम 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। अगर आपको प्लेन खानी पसंद है तो 2 टेबलस्पून चीनी भी काफी होगी। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और रबड़ी बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करेंगे। जब हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा और मलाई ऊपर से सूख जाएगी तब हम फ्लेम ऑफ करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। करीब 1/2 घंटे बाद चाकू की मदद से दिखाए गए तरीके से लच्छे को काट लेंगे और कढ़ाई के किनार से अलग करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं लच्छे दोनों तरफ से परफेक्टली सूख चुके हैं और अंदर से अभी भी सॉफ्ट हैं। इसका मतलब हमारे लच्छे परफेक्ट बने हैं। दिखाए गए तरीके से सभी लच्छों को उतार कर रबड़ी में मिक्स करेंगे। अब इसमें सूखी गुलाब की पत्तियां, पिस्ता की कतरन डालकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब लच्छे वाली रबड़ी को सर्व करने के लिए बहुत सारी आइस को साफ कपड़े में डालकर किसी भारी चीज की मदद से क्रश करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप अपनी मनचाही ग्लास में 1/2 ग्लास रबड़ी, अब ऊपर बहुत सारी क्रश्ड आइस, गार्निशिंग के लिए पिस्ता और सूखी गुलाब की पत्तियां डालेंगे। और रेडी है हमारी लच्छे वाली रबड़ी।